कृपया ध्यान दीजिए, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अब हम इस विस्तारा एयरबस 320 एयरक्राफ्ट के सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी देंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांधने के लिए मेटल स्ट्रिप को बक्कल में डालें, पट्टी खींचकर उसे कस लें और इस तरह ढीली करें। पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और इस तरह अलग कर दें। कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर यह नकाब अपने आप नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसे अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब ठीक से पहने। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं। विमान के पिछले भाग में 2 द्वार, विंग्स पर 4 और 2 द्वार विमान के आगे के भाग में हैं। हर मुख्य द्वार पर 1 इवैक्यूएशन स्लाइड उपलब्ध है। फर्श पर लगी मार्गदर्शी बत्तियां आपात स्थिति में आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगी। आपका नजदीकी निकास आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति में विमान से निकलने से पूर्व अपना सारा सामान विमान में ही छोड़ दें। अधिक जानकारी के लिए कृपया सुरक्षा निर्देश पत्र पढ़ें जो आपके सामने की सीट पॉकेट में उपलब्ध है। धन्यवाद। May I have your attention please? Your safety is our foremost concern and we will now brief you on the safety features of this Vistara Airbus 320 aircraft. To fasten your seat belt, insert the metal tip into the buckle. Your seat belt can be tightened by pulling the strap and loosened this way. To unfasten your seat belt, lift the flap and pull the ends apart. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks will deploy from the panel above you. Remain seated and pull the mask down sharply to start the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Make sure your own mask is placed correctly before assisting others. There are 8 emergency exits on this aircraft. There are 2 doors at the rear, 4 exits over the wings, and 2 doors in the front of the aircraft. Each main door is equipped with an evacuation slide. Fluorescent strips fitted on the floor will guide you to the nearest exit in case of an emergency. Your closest emergency exit may be behind you. During evacuation, for your own safety and for the safety of others, you are required to leave your hand baggage in the aircraft. For more details, please refer to the safety instruction card kept in the seat pocket in front of you. Thank you. सज्जनों, भारत सरकार के नियमानुसार इस विमान में धूम्रपान करना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग और मदिरा पीना सख्त मना है। आपकी जानकारी के लिए विस्तारा की सभी उड़ानों में गुटखा जैसे तंबाकू और डांटों का सेवन भी वर्जित है। सभी शौचालयों में धूम्र संवेदक यंत्र लगे हैं। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। आपकी ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़े आकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे लैपटॉप का उपयोग, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेगुलेशन डू नॉट परमिट स्मोकिंग, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एंड द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ऑन बोर्ड दिस एयरक्राफ्ट। Vistara also does not permit the consumption of any chewing tobaccos on board. Please note that smoke detectors are installed in all lavatory. Mobile phone and other small handheld electronic device may be used at all time in flight mode. However, for your safety and the safety of those around you, Vistara does not permit the large electronic equipment such as
अंतर्राष्ट्रीय आपका स्वागत है। जो यात्री आगे का अंतर्राष्ट्रीय सफर कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। बाहर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि कुर्सी की पेटी का संकेत बंद होने तक अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें। ऊपर बने सामान कक्ष सावधानी से खोलें। उड़ान के आगमन में हुई देरी के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। विस्तारा और इस विमान की क्रू की ओर से हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी भी प्रकार की फीडबैक के लिए हमारी वेबसाइट airvistara.com पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Kolkata. Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. Customers with an international connection are requested to contact the ground staff upon arrival. The temperature outside is 37 degrees Celsius. You may now use your mobile phone. We request you to please